हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम हेयर विद रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 12 ऑफ क्लास 8, अ बॉयज एट द फर्स्ट डे ऑफ एट स्कूल. ये स्टोरी थी एक ऑस्ट्रेलियन बॉय की, जो एबोरिजिनल बॉय है. ठीक है, वो फर्स्ट डे स्कूल जाता है, वहाँ उसने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की इस स्टोरी में उसने एक्सप्लेन किया है. सो इफ़ यू डिडेंट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द पार्ट 1, देन यू हैव टू कम बैक टू द पार्ट 2. इफ़ यू विल सर्च द चैप्टर नेम विद चैप्टर नेम एंड द माइल स्टोन इंग्लिश कोर्स बुक, यू विल फाइंड इट इमीडिएटली. पार्ट 1, द बॉय हु वेंट टू द स्कूल, ही फेस्ड सो मैनी थिंग्स. इज फर्स्ट फाइट, फर्स्टली ही वॉज स्टक विद अ बॉय हु वॉज जस्ट पोकिंग द पेंसिल पॉइंट ऑन हिज बैक. And he hit that boy. After that, he was just running out, and then struck with a huge dog. And he was most probably was struck, but he was rescued by his elder brother, who was also in that the same school. So I have left the first part here. So I'll just continue the part 2 from the here. द स्कूल वॉज ओवर फॉर द डे. स्कूल जो है वो ओवर हो चुका था. द स्कूल इट सेल्फ वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द मॉइस्ट ऑफ द हाउसेज इन यार्डलॉफ. वो कह रहे हैं जो स्कूल जो था वो कुछ दूरी पर था, जो कि यार्डलॉफ जिस जगह से ये बिलोंग करता था, ये बच्चा वहाँ से कुछ दूरी पर था इनका स्कूल. देर वर अ फ्यू डिवेलिंग्स इन एन एरिया कॉल्ड स्क्रैप आयरन टेरिस, बिकॉज ऑल द स्क्रैप आयरन फ्रॉम द मिल एंड वर्कशॉप्स वर डम्प्ड देयर. ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ड्वेलिंग्स मीन्स होता है हाउसेस, या फिर घर कह सकते हो आप, जो कि जो रहने की जगह थी वहाँ पर, वो उन सभी को सब लोग स्क्रैप आयरन टेरिस बोलते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेरिस पे क्या होता था, जितने भी आयरन स्क्रैप्स होते थे, क्योंकि वहाँ पर मिल थी, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स थी, तो वहाँ से जो आयरन पीसेस कह सकते हो, या फिर उनका जो धुआं, फॉग, मॉइस्ट, जो भी मतलब डस्ट टाइप कह सकते हो, वो सभी की टेरेस पर एकदम से हीप आउट हो जाती थी. ठीक, तो वहाँ पर उस एरिया में उन बिल्डिंग्स का जो नेम था वही रख दिया गया था, स्क्रैप आयरन टेरेस. ठीक है, द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस बाई नेम. वो जो टाउन था उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया था उनके नेम के अकॉर्डिंग. देयर वॉज द बॉटम यार्ड, एक जो था हिस्सा जो था वो थोड़ा बॉटम में था, नीचे की तरफ था. वेयर द वर्कशॉप्स वर देयर, यहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह थी. ठीक है, यहाँ पर उनकी. एंड वेयर ऑल द टिम्बर वॉज सॉरी एंड एट द टॉप यार्ड वेयर ऑल द टिम्बर वॉज माइल्ड एंड स्टैक्ड. और ऊपर जो टॉप एरिया था, यहाँ पर जो है वो सारी लकड़ियाँ जो लाई जाती थी उनको रखा और स्टॉक किया जाता था. ठीक है, तो दो सेक्शन में ये जो टाउन था वो डिवाइडेड था. इसके बाद नियरली एवरीबडी इन द टाउन रिलाइड ऑन मिलर्स टिम्बर कंपनी फॉर एम्प्लॉयमेंट वगैरह. लगभग उस टाउन का हर एक न एक व्यक्ति जो था उस मिलर्स टिम्बर कंपनी में जॉब करता ही करता था, क्योंकि वहाँ पे वो सबसे बड़ा जो ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, वहाँ पर जो उस छोटे से टाउन में जो इनका अर्निंग का जो साधन था वो सिर्फ वही एक कंपनी थी, टिम्बर कंपनी. ठीक है, जिसमें जो हर घर का व्यक्ति, यानी कि उस छोटे से टाउन में जो भी लोग थे, वो वहाँ पर ज़रूर अपना कोई ना कोई जॉब कर रहे थे. ठीक है, द मेन रोड ऑफ दोज डेज वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्रेवल. ठीक है, वहाँ पर वो कह रहे हैं ग्रेवल, यहाँ पर जो वर्ड है, न्यू वर्ड फॉर द पेबल्स, आप जो कह सकते हैं, जिसे हम पेबल्स कहते हैं या फिर हम कॉन्क्रीट भी बोलते हैं. ठीक है, तो उस चीज़ से बनी होती थी पुराने टाइम में, वो उस टाइम में वो जो रोड्स होती थी. और नॉट द ग्लीमिंग ब्लैक बिटुमिन ऑफ द डे, वो कह रहे हैं आजकल की तरह जैसे डामर से जो रोड्स बनती हैं बिल्कुल स्मूथ, वैसी उस टाइम नहीं बनती थी. उस समय कॉन्क्रीट से रोड्स बनाई जाती थी, वैसी रोड्स थी हमारे यहाँ. द हॉर्स एंड बग्गी एंड द कार्ट वर स्टिल किंग्स ऑफ द रोड. वो कह रहे हैं उस समय भी हमारे यहाँ जैसे बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ा और बग्गी ये सब चला करता था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी कार, बस, ऑटो, इस तरीके से ऑटोमोबाइल्स नहीं थे, तो लोग घोड़ों से, बैलगाड़ियों से, इस तरीके के यही सारी चीज़ें जो थी रोड की किंग हुआ करती थी. मतलब रोड पे जब भी अगर कोई आपको व्हीकल देखना है तो इस टाइप के व्हीकल्स ही देखने को मिलते थे. दो एन ओकेजनल ऑटोमोबाइल वुड चंक थ्रू द डस्टी स्ट्रीट ऑफ द समर और द मायर ऑफ विंटर. वो कह रहे हैं ये रेयरली होता था, कभी ओकेजनली कोई ऑटोमोबाइल जो है वहाँ से चक करता हुआ, मतलब उस उन डस्टी रोड से जाता था, मतलब धूल भरी जो गलियाँ थीं और जो दलदल हो जाती थी विंटर के टाइम पे, वहाँ पे उनमें से होकर कभी कभार ही कोई ऑटोमोबाइल निकलता था, मतलब
द इंजन बेस्ड व्हीकल्स, ठीक है. सो द ड्राइवर ऑफ दीज व्हीकल्स वर मैग्निफिशेंटली ड्रेस्ड इन वाइट ओवरऑल एंड लॉन्ग वाइट कोट्स, ठीक है. वो कहता है कि उस टाइम पर अगर ऐसे व्हीकल्स कोई ड्राइवर चलाता था तो वो बहुत ही मैग्निफिशेंटली, बहुत ही शानदार तरीके से वो ड्रेसअप होकर आता था, जिसका एक वाइट सा लॉन्ग कोट होता था, बी डेक्ड विद हेलमेट, और वो हेलमेट उसके सर पे सजा हुआ होता था, एंड ब्लैक गॉगल्स पहनते थे वो ड्राइवर्स, एंड दे बाउंस्ड अलोंग द रटेड प्लॉथोर्ड्स रोड इन स्टिफ बैग्ड स्प्लेंडर. वो कह रहे हैं और जो रोड पे पड़ने वाले पोथोल्ड थे, यानी कि गड्ढे थे, जो भी मतलब ऑब्स्टिकल्स आते थे रास्ते में, उसमें वो बाउंस करते हुए, मतलब उछलते कूदते अपनी गाड़ी को लेकर जाते थे. डब 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 वहाँ पे बाउंसिंग होती थी उनके व्हीकल्स में, ठीक है, क्योंकि रोड वाज नॉट सो स्मूथ. माय फर्स्ट डे एट स्कूल वाज सर्टेनली इवेंटफुल. मेरा पहला दिन जो था वैसे ही बहुत ज़्यादा इवेंटफुल, मतलब बहुत ज़्यादा घटनाओं से भरा हुआ था. बिकॉज दैट डे आई एक्चुअली सॉ एन ऑटोमोबाइल इंजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन पहली बार अपनी लाइफ में शायद मैंने ऑटोमोबाइल इंजन देखा था. द स्कूल चिल्ड्रन वॉकड अलॉन्ग the road throwing stone at the chasing one another. Their shrill laughter and calling could be heard in the autumn air. बोले जो स्कूल के बच्चे थे वो सब लोग रोड पर चल रहे थे, वो लोग एक दूसरे पर स्टोन्स फेंक रहे थे, एक दूसरे को चेज कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, और ज़ोर ज़ोर से हंसना चिल्लाने की आवाज़ें उस रोड पर पूरी हवा में गूंज रही थी, ठीक है. वो मतलब खुशी से स्कूल से छूटा हुआ था और वो लोग सब शोर शराबा मचाते हुए बाहर जा रहे थे. सडनली वी वर अट्रैक्टेड बाई द साइट एंड द साउंड ऑफ एन ऑटोमोबाइल. लेकिन अचानक से क्या हुआ, सभी बच्चों को एक चीज़ ने अट्रैक्ट किया, वो क्या थी, वो एक ऑटोमोबाइल की आवाज़ थी, यानी कि उधर से कोई एक ऐसा व्हीकल आ रहा था जो इंजन बेस्ड होता है, ठीक है. तो सभी लोग सरप्राइज हो गए कि अचानक से ये जहाँ पे हॉर्सेस बुलक्स और कार्ट लाइक व्हीकल्स चलते हैं, आज ये ऑटोमोबाइल कहाँ से आ रहा है. तो उसकी आवाज़ सुनकर सभी एक सेकंड को रुकते हैं, ठीक है. वी स्ट्रंग आउट अलोंग द रोड वेविंग द एंड चीयरिंग, एंड द डॉग्स बिगिन बार्किंग एंड लंगिंग एट द व्हील्स व्हाइल द ड्राइवर लुक्ड एट देम विद सम ट्रेपिडेशंस एज इफ ही एक्सपेक्टेड देम टू टीयर देयर टायर्स ऑफ श्रेड्स, ठीक है. वो कहता है कि हम लोगों ने जैसे ही उनको रोड साइड देखा, हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से वेव अपना हाथ हिलाने लगे, चीयरिंग करने लगे, ठीक है. और डॉग्स भी एकदम सरप्राइज हो गए, तो उन लोगों ने भी अपना भौंकना जो है शुरू कर दिया, ठीक है. और अपनी ज़ोर ज़ोर से उसके व्हील्स की जितनी आवाज़ आ रही थी उस गाड़ी के पहियों की, और उतना ही ज़्यादा वो शोर मचाने लग गए सभी लोग आसपास, मतलब जैसे जैसे वो नियर आ रही थी. और जो उसका ड्राइवर था वो ऐसा, वो इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था इतना शोर शराबे को और डॉग्स की बार्किंग सुन सुनकर, उसे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जो इसके टायर हैं वही ना फट जाएं, टूट मतलब ख़राब हो जाएं. क्यों? क्योंकि एक तो रोड बहुत अच्छा नहीं था, ऊपर से ये लोग इतना शोर शराबा मचा रहे थे, उसे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो इसके टायर ही फट जाएँ, ठीक है. डॉग्स वगैरह भी उसके पीछे उसको चेस कर रहे थे, उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो ठीक है. तो ही वॉज जस्ट नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो कर रहा था वहाँ पर जो ड्राइवर था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था. जनरली जब हम कोई व्हीकल निकलता है स्मूथली निकल जाता है, लेकिन यहाँ तो उसको एक अलग ही सीन देखने को मिल रहा था, जैसे कि सब उस क्या वहाँ पे कुछ मिरेकल सा हो गया हो और सभी उसके पीछे भाग रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी को देख कर. ही द ड्राइवर वॉज द अनयूजअल मैग्निफिशियंट सेटोरियल फिगर. वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही, जो ड्राइवर था वो बहुत ही मैग्निफिशियंट शानदार तरीके से एक स्टाइलिश फिगर में था, क्योंकि जैसा अभी पहले से बताया गया कि वो हेमलेट पहनते थे, गॉगल्स पहनते थे, वाइट कोट पहनते थे, स्ट्रेट अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठते थे. ही वेव टू द चिल्ड्रन, उसने भी बच्चों की तरफ हाथ हिलाया. वेव मीन्स होता है हाथ हिलाना, ठीक है, जैसे क्योंकि बच्चे उसको बहुत चीयर करते हैं, जैसे बच्चे छोटे बच्चों को आपने देखा है कोई नई गाड़ी या कोई चीज़ देखते हैं तो शोर मचाते हैं, तो वैसे ही उसने भी उनको चीयर अप कर दिया, ठीक है, वेव कर दिया. जस्ट बिफोर द ऑटोमोबाइल हैड अराइव्ड अपॉन द सीन आई हैड प्लग्ड अ हैंडफुल ऑफ ब्लैक बॉयज रश्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड एंड चीयर एंड शाउटिंग अलोंग विद, ठीक है. वो कहता है कि जैसे ही मैं वो ऑटोमोबाइल हमारे पास, मतलब हमारे बिल्कुल नज़दीक आ ही पाता, कि तब तक एक हैंडफुल, मतलब एक झुंड सा आया बच्चों का दौड़ता हुआ मेरी तरफ, जो ब्लैक बॉयज़ वहाँ के लोगों को बोला गया, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ के लोगों को बोला है उसने, और ऐसा लगा कि उन लोगों ने मुझे, मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से भी मुझे उखाड़ के वो भी अपने साथ ले गए. मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि उस भीड़ में धक्के, एक झोंके के साथ, उस धक्के के साथ मैं भी उनके साथ स्विंग आउट हो गया, मैं भी आगे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो लोग रोड पर बहुत ज़ोर से चीयर्ड और शाउटिंग करते हुए एक तरफ से दौड़ते हुए आ रहे थे. तो ये भी उस भीड़ का हिस्सा बना और उस भीड़ और झटके के साथ ये भी आगे निकल गया उन बच्चों के साथ में.
साथ में, ठीक है। 1 12 ईयर ओल्ड बॉय स्टैन स्मिथ, वो कह रहा है कि एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम था स्टैन स्मिथ, क्राइड आउट, वो बहुत जोर से चिल्लाया, लुक एट द इंजन एंड गो नो कवर। वो कह रहा है कि देखो ये जो ऐसा कैसा इंजन है, इसके ऊपर तो कोई कवर ही नहीं है, ये बाहर से मतलब वो इंजन जो था वो ओपनली दिख रहा था कि वो घूम रहा है या उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही थी, वो तभी वो जोर से चिल्लाया कि देखो इसका इंजन तो दिख रहा है, इस पर तो कोई कवर भी नहीं है। देर वॉज अ कोरस ऑफ वॉइस, वहाँ पर बहुत जोर जोर से सभी बच्चों की एक साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। इवन द यूजली सीडेट ओल्डर गर्ल जर्नी विद द क्राई ज्वाइंट द विद द ज्वाइंट इन द इन विद द क्राई, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एक सीडेट यानी कि काम और डिग्निफाइड गर्ल थी, वो भी बल्कि इस क्राई में चिल्लाने लगी, स्लो डाउन मिस्टर, धीरे करो, स्लो डाउन, बहुत धीरे करो। द एंड द मार्वल हु वॉज ड्राइविंग द कार स्लो डाउन टू एंड ऑबलाइजिंग 5 miles an hour, ठीक है। वो कह रहा है कि उस जब वो जोर से चिल्लाया कि धीरे 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 इस गाड़ी को धीरे करो, ठीक है, तो ड्राइवर ने, जो उस कार का ड्राइवर था, उसने उस गाड़ी को स्लो किया, जो लगभग 5 मील 1 घंटे की रफ्तार से, मतलब पर आर के हिसाब से वो जो मूव कर रही थी, उसने उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो किया। द ऑटोमोबाइल ड्रीव लेवल विद अस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम माई सेल्फ एंड द अदर गेज्ड इन वंडर एट द वर्किंग ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन, बोले क्योंकि हम लोग वो जो ऑटोमोबाइल के लेवल पर हम लोग थे, और पहली बार ऐसा था कि मैंने और जो दूसरे बच्चे थे हम लोग इसको ऐसे गेज्ड मीन्स घूर कर देख रहे थे कि हम, क्योंकि वो हमारे लिए एक वंडर था, आश्चर्य था कि जब हमने पहली बार खुद अपनी आंखों से ओपन ऑटोमोबाइल किसी इंजन को वर्क करते हुए देख रहे थे कि वो कैसे मूव करता है, कैसे चलता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवर नहीं था, इसलिए हम बहुत ही सरप्राइज्ड थे, ठीक है। इट हिस्ड, वो कह रहा है उसकी आवाज़ तो कभी वो मतलब हिशिंग की आवाज़ हो रही थी, कभी स्प्लटर्ड कर रहा था, कभी वीज्ड कर रहा था, एंड कफ्ड मतलब खट पट खुट फुट, क्योंकि वो रोड जैसी थी, उस तरीके से वो व्हीकल जो है वो हर तरीके से आवाज़ निकालता हुआ, ये ऑनोमेटोपोइक साउंड्स कहलाती हैं, हर तरीके की साउंड उसमें से निकल रही थी। देयर वॉज अ ह्यूज फैन, उसके अंदर एक बड़ा सा फैन दिख रहा था इन्हें, विच स्पन मैडली, वो ऐसा लग रहा था जैसे पागल हो गया हो उसको, वो इतनी स्पीड से नाच रहा था, उसके अंदर घूम रहा था, स्पन कर रहा था, कि ये लोग उसे देख के बहुत खुश सा फील कर रहे थे, ठीक है। द ड्राइवर सैट देयर क्लैस्पिंग एंड स्टीयरिंग व्हील एंड स्माइलिंग एट हिज एडमायरर, वो जो ड्राइवर था वो बैठा हुआ था, कस के उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था, जो एक स्टीयरिंग राउंड सा व्हील होता है, आपने देखा है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है, तो वो स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ था, और एंड स्माइलिंग एट हिज एडमायरर, और जो बच्चे थे जो उसके आगे पीछे अप्रिशिएट करते हुए घूम रहे थे, वो उनको देख कर स्माइल कर रहा था। अ शॉर्ट ऑफ सस्पेंडेड ट्रांस लाइक फीलिंग, बोले एक तरीके का सस्पेंस क्रिएट हो गया था, मैं एकदम सस्पेंडेड था, और ट्रांस लाइक मीन होता है बिल्कुल स्टिल हो जाना, मतलब बिल्कुल स्टैचू की तरह मैं वहाँ, जो मेरे अंदर फीलिंग आ गई थी, जैसे मैं हिल भी नहीं पा रहा था, सरप्राइज होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। टुक होल्ड ऑफ मी, उसने जैसे मुझे पकड़ लिया था, मैं उसी एक पोस्चर में खड़ा होकर उसको देख रहा था। वेरी मच लाइक द फीलिंग व्हेन आई हैड ब्लडीड फ्रेकल्स नोज, बोले वो यहाँ पे भी मुझे वही एकदम अजीब सी खुशी, अजीब सी फीलिंग आ रही थी जब मैंने फ्रेकल की नोज़ को हिट किया था और उसमें से खून निकलने लगा था, तो वही वाली फीलिंग कुछ मुझे यहाँ पर भी जब मैं एक सेकंड को एक स्टैचू लाइक हो गया था, ठीक है। द ट्रांस लाइक फीलिंग वॉज सडनली ट्रांसफॉर्म्ड इंटू एक्शन, लेकिन ये जो मेरी फीलिंग थी जो मैं स्टैचू बन के वहाँ खड़ा था, वो तुरंत ही एक्शन में बहुत ही जल्दी सडनली अचानक से ट्रांसफॉर्म हुई, यानी कि बदल गई किसमें, एक्शन में। विद वन स्विफ्ट मूवमेंट आई फ्लंग द डबल हैंडफुल ऑफ ब्लैक बॉय रशेज स्ट्रेट इंटू द वर्लिंग फैन ऑफ द इंजन, वो कह रहे हैं जब दोबारा से एक स्विफ्ट आया, एक झटका आया लोगों बच्चों का, जिसमें डबल हैंडफुल, अब पहले तो कुछ कम थे, इस बार तो और ज़्यादा संख्या में वो ब्लैक बॉयज़ आए, और स्ट्रेट वो किधर की तरफ दौड़ रहे थे, जहाँ वो फैन जो उसका इंजन का जो फैन था वो वर्लिंग कर रहा था, वर्लिंग मीन्स होता है जैसा लगा था उसमें भूचाल सा आ गया था, इतनी स्पीड से चला था, तो ये सारे बच्चे उसकी तरफ जब दौड़ते हुए गए। फ्रेंड्स देयर इज अ कॉल, आई हैव टू कट इट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, सो वी विल कैरी ऑन। यहाँ से हमने कहा कि वो एक दूसरे झटके के साथ में वो जो था वो फैन के इंजन की तरफ से ये सारे बच्चे भागे, और ये भी उनके साथ में एकदम से एक्शन में आ गया था। ब्लैक बॉयज रशेज इमिडिएटली बिकॉज ऑफ बिकम एज शॉफ, वगैरह ये ब्लॉक ये जो ब्लॉक ब्लैक बॉयज थे ये इतनी तेज़ी से वहाँ से इमिडिएटली बिकम अ शॉफ, ऐसा लगा कि ये लोग खुद ही जो वो हैं जो ड्राइवर है ये खुद ही बन गए, ये खुद ही इतनी स्पीड से यहाँ वहाँ दौड़ना इन्होंने शुरू कर दिया था। द ऑटोमोबाइल
कफ्ड एज इफ इन प्रोटेस्ट, वो कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल से अजीब सी आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे कफ्ड मीन्स वैसे होता है खांसना, लेकिन आपको पता है कि गाड़ी जो है वो खांसेगी नहीं, उसकी जो साउंड थी यहाँ पर उसको ऐसा ऐसा दिखाया गया है जैसे वो कफ्ड कर रही हो, ठीक है, घम 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 गट गट ऐसे टाइप की जो साउंड होती है वो उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कफ्ड से, ठीक है। लर्ज इन टू अ पैथोल एंड देन स्टॉप्ड, अचानक से क्या हुआ कि वो गाड़ी जो थी वो एक लर्ज्ड एक गड्ढे में जाकर गिर गई और वो स्टॉप हो गई, मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतना डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया वहाँ पे कि सब ने इन बच्चों ने खुद ही उसको गाड़ी को चलाना, मूवमेंट करना, धक्का देना, पुशिंग करना, रशिंग करना शुरू कर दिया कि वो फाइनली वो एक गड्ढे में जाकर गिर गई और रुक गई। अब सडनली क्या हुआ, फॉर अ सेकेंड और टू देयर वॉज फ्रोजन साइलेंट, वो कह रहे हैं लगभग 1 या 2 सेकेंड के लिए, फॉर सेकेंड और टू वहाँ पर बिल्कुल फ्रोजन साइलेंट, जब वो गाड़ी गिर गई और गड्ढे में गिरकर रुक गई तो सभी शांत हो गए, सन्नाटा हो गया एकदम से, इवन द डॉग्स बिकम क्वाइट, बल्कि जो डॉग जो भाग रहे थे, भाग भाग के उसके पीछे उसको चेस कर रहे थे, वो भी एकदम शांत हो गए। वन ऑफ देम डिसाइडेड टू लीव द मैसेज ऑन वन ऑफ द फ्रंट व्हील, वो कह रहे हैं तभी उनमें से किसी ने एक डिसाइड किया कि जो आगे वाला फील है मैसेज वो है व्हील है उसका पहिया है, उसको किसी तरीके से मैसेज दिया जाए या निकालने की उसको कोशिश की जाए। द ड्राइवर सैट इन डिसबिलीव, अब जो ड्राइवर बैठा था उसमें वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, गाड़ी कहाँ फंस गई, कहाँ गड्ढे में गिर गई। ही क्लाइम्ड स्लोली, वो ऊपर से निकला फ्रॉम द व्हीकल्स, वो ऊपर की तरफ निकला क्योंकि वही जब गाड़ी गिरी तो वो भी आगे की उसका फ्रंट व्हील था जो गड्ढे में चला गया था, ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से स्लोली बाहर निकला, चढ़ा उस पर, बेंट फॉरवर्ड द एंड स्टेयर्ड एट द नाउ साइलेंट इंजन, और उसने आगे झुककर देखा अपने इंजन की तरफ तो देखा कि वो इंजन बिल्कुल साइलेंट हो चुका था, बिल्कुल बंद हो गया था, ठीक है। देन स्विफ्टली ही लीप्ड फॉरवर्ड, फिर वो धीरे से उछलकर बाहर आगे की तरफ आया, ग्रैब्ड मी बाय द ईयर एंड रोड, और उसने मुझे मेरे कानों को कस के पकड़ लिया, एंड रोड, और ज़ोर से चिल्लाया, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, ये तुमने क्या किया है, ये देखो गाड़ी कहाँ फंस गई, तुम लोगों का भागना चलाना ये तुम लोगों ने सब कुछ इसमें शुरू कर दिया था। वो मतलब उस बाकी बच्चे तो बच गए लेकिन ये पकड़ में आ गए क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हो जाते थे जहाँ भी होता था शोर शराबा, ठीक है। माई सिस्टर कैथलीन ग्रैब्ड द इरेट मोटरिस्ट बाय द आर्म एंड क्राइड, वो कह रहे हैं उसने बहुत गुस्से से, मेरी सिस्टर ने उस मोटरिस्ट को यानी कि वो जो गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर था उसको कस के उसने गुस्से में हाथ उसका पकड़ा और ज़ोर से चिल्लाई, उसने प्लीडिंग की, बेग्ड मींस होता है या फिर प्रेयर करना, उसने उससे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की कि ओ मिस्टर डोंट हर्ट हिम, उसे मारना मत प्लीज़, ही इज़ ओनली माई लिटिल ब्रदर, ये मेरा सिर्फ छोटा सा भाई है और मैं इसकी शिकायत मम्मी से कहूँगी और मम्मी इसकी पिटाई लगाएंगी लेकिन तुम्हें इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इम्प्लोरिंग मीन्स वैसे होता है बैग्ड करना या फिर प्लीइंग करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना कि तुम इसे नहीं मारो भाई, मैं इसकी शिकायत मम्मी से कहूँगी, वो इसको मारेंगी, ये तो बहुत छोटा सा है। आई केप्ट माई डायलेटेड पीपल फास्टेंड ऑन द ड्राइवर, वो कह रहा है कि मैं जो था बिल्कुल वहाँ जो मेरे साथ के दोस्त थे उन्होंने जो ड्राइवर था उसको गुस्सा करा दिया था लेकिन मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था, ये नेवर इन द शॉर्ट लाइफ आई हैड सीन सच अ रेड फेस, वो कह रहा है और मैंने अपनी इस छोटी सी लाइफ में कभी भी किसी को इतने गुस्से में नहीं देखा था, इतना रेड फेस्ड व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था जितना कि उस मोटरिस्ट का इस समय हो रहा था क्योंकि वो इतना गुस्से से लाल हो गया था कि उसको लग रहा था कि अगर उसके सामने कोई आ जाए तो वो उसको क्या करेगा, ठीक है, वो सारा गुस्सा सारे बच्चों का उसने मेरे ऊपर निकाल दिया। इवन रेडर देन माई सिस्टर कैथलीन्स रेड पार्टी ड्रेस, और बोले बल्कि वो इतना रेड हो रहा था उसका फेस जैसा कि मेरी कैथलीन जो मेरी सिस्टर है उसकी जो पार्टी में जाने वाली रेड कलर की ड्रेस है उससे भी ज़्यादा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। देन आई स्टार्टेड टू थिंक, बोले तभी मैंने सोचना शुरू किया, एंड आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और मेरे दिमाग में अचानक से आया सडनली आया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अ सडन ट्विस्ट ऑफ द हेड, मैंने एक झटके से अपना सर घुमाया, आई रेंज्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को खींचा फ्रॉम द ऑटोमोबाइल ड्राइवर, उस ड्राइवर के हाथ से मैंने अपने आप को छुड़ाया, आई रैन एंड रैन, आई ग्लांस्ड बैक वंस ट्वाइस एंड टू माई अमेजमेंट अ रेड फेस्ड ड्राइवर वॉज लाफिंग एक्चुअली लाफिंग एट मी, वो कह रहा है मैं वहाँ से बहुत तेज़ आई रैन एंड रैन, मैं दौड़ा और दौड़ा बहुत तेज़ दौड़ा, आई ग्लांस्ड बैक, और मैंने पीछे की तरफ पलट कर जब देखा एक और दो बार तो माई अमेजमेंट वॉज एंड टू माई अमेजमेंट, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैं यहाँ से बचकर भाग गया हूँ, द रेड फेस ड्राइवर वॉज लाफिंग, और जो वो गुस्से से लाल फेस वाला जो ड्राइवर था वो हंस रहा था, एक्चुअली लाफिंग एट मी, वो शायद वाकई में मेरे ऊपर हंस रहा था कि इसने कैसे अपने आप को मुझसे एस्केप किया और ये यहाँ से मुझसे बचकर निकल भागा, ठीक है, छोटा सा बच्चा। आई हर्ड माई सिस्टर कैथलीन्स वॉइस श्रिल,
मैंने सुना कि मेरे पीछे से मेरी सिस्टर जो कहती थी उसकी बहुत तीखी सी आवाज़ मेरी तरफ आई, आई टेल मम ऑन यू व्हेन आई गेट होम, मैं जब घर जाऊंगी ना तो तुम्हारे बारे में मम्मी को बताऊंगी, इफ़ यू सी इफ़ आई डोंट, देखना अगर मैं नहीं बताऊं तो, ठीक है, मतलब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी करूंगी, जैसे होती हैं सिस्टर्स हमेशा कंप्लेंट करती है, चलो तुम घर तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगी, नहीं की ना तो देख लेना फिर ज़रूर करूंगी, ठीक है। माई लिटल ब्राउन लेग्स वर्कड लाइक पिस्टन्स एंड द विंड विसल इन माई केयर, वो कह रहे हैं उस समय मेरे जो छोटे छोटे ब्राउन कलर के पैर थे वो बिल्कुल ऐसे वर्क कर रहे थे जैसे पिस्टन्स हो, ठीक है, और मेरे कानों में इतनी तेज़ हवा जो है वो ऐसे घुस रही थी जैसे वो कोई विसलिंग कर रहा हो, सीटी बजा रहा हो, ठीक है, मतलब ये इतनी जितनी स्पीड से ये दौड़ सकते थे ये उतनी तेज़ स्पीड से दौड़ते हुए वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे थे। आई क्रॉस द फर्स्ट स्ट्रीट इन अ रश, मैंने, वो कहता है कि मैंने पहली गली तो इतनी स्पीड में पार की कि मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज हाफ वे अक्रॉस द सेकेंड व्हेन डिजास्टर स्टक अगेन, बोले और मैं दूसरी भी बिल्कुल लगभग आधी पार ही कर चुका था लेकिन तब तक एक दूसरा डिजास्टर, एक दूसरी प्रॉब्लम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब क्या हुआ इनके साथ देखिए, देखते हैं। आई वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड बिफोर आई सॉ द हॉर्स एंड द राइडर, बोले वो बिल्कुल रोड के बीचों बीच भाग रहा था और मैंने अचानक से देखा कि एक हॉर्स और राइडर उस पर बैठा एक घुड़सवार सामने से आ रहे थे। व्हेन दे वर अपॉन मी, और मैंने उन्हें तब देखा जब वो लगभग मेरे ऊपर आ चुके थे, ठीक है, बिल्कुल करीब यानी कि या फिर उनके बिल्कुल टकराने ही वाले थे। आई डिडेंट पॉज, मैं रुकी नहीं पाया, एटलीस्ट आई थिंक आई डिडेंट, बोले और मुझे लगता है कि शायद मैं रुका ही नहीं, या मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ इसको, ये सडनली फिर से हुआ इनके साथ सब कुछ, ये खुद ही नहीं समझ पाया। आई जस्ट केम टू अ फुल स्टॉप, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक फुल स्टॉप बन गया हूँ और मैं जहाँ था मैं वहीं रुक गया, बैठ गया। क्राउच्ड इन द मिडल ऑफ द रोड, और मैं बिल्कुल जहाँ बीच में रोड पे था मैं इतने पास आ गया था कि ये घबरा के फिर उसी जगह पे बीच में ही बैठ गया ये, कि ये तो मेरे ऊपर ही चला रहा है। द हॉर्स लीप्ड ओवर मी, और वो घोड़ा मेरे ऊपर से उछल के, मेरे ऊपर से लीप डाउट होकर उछल के बाहर आ गया। मिसिंग माई क्राउचिंग फ्रॉम बाई अ विस्कर्स, वो कह रहे बस इतना फ़र्क था जैसे उसने बस बिल्कुल मेरी उसकी दाढ़ी मूछे तक मुझसे छू कर निकली होंगी और मैं इतना ज़रा सा उससे बस उसने मुझे मिस कर दिया था, ठीक है। देन इट इज़ स्वेर्ड एंड द राइडर सेल्ड नीटली ओवर हिज माउथ हेड एंड लैंड टू हीप नॉट 3 yards फ्रॉम माई स्टिल क्राउचिंग फिगर, और वो जो उसका राइडर था वो बिल्कुल ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसका मुँह हेड और माउथ जो है वो फेस जो है वो ज़मीन की तरफ था, ठीक है, एंड लैंड अ हीप नॉट 3 yards फ्रॉम माई स्टिल, और मैं जहाँ बैठा था बीच में ये जो बैठे हुए हैं देखो बन के, ठीक, वो कह रहे हैं मेरे क्राउच से वो थोड़ा लगभग 3 yards के 3 गज की दूरी पर वो पड़े हुए थे, ठीक है, जिनका फेस नीचे था और नीचे की तरफ वो पड़े हुए थे, ठीक है। द फॉलन राइडर लुकड एट मी इन बिम्यूज्ड डेज्ड फैशन, वो कह रहा है कि उसने जब वो जो गिरा हुआ जो राइडर था घुड़सवार था उसने मेरी तरफ बहुत अजीब सी तरीके से देखा, ठीक है, देखा। आई स्लोली रोज टू एन अपराइट पोजिशन, बोले मैं धीरे से उठा और आगे की तरफ बढ़ा, मतलब इसकी तरफ को ये खिसक कर आया कि ये जो पड़े हुए हैं इन्हें देखो कि क्या हुआ है, ठीक है। द राइडर वॉज नाउ ऑन हिज हैंड, राइडर जो था वो धीरे धीरे अपने हाथों पर अपने नीज पर उठने की कोशिश कर रहा था, ये भी मतलब मुँह के बल गिरा था ज़ोर से तो ये एकदम शॉक्ड हो जाता है, तो ये बीच में बैठ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि इसने अब धीरे से फेस इसकी तरफ करके इसको देखा तो ये खिसक के इसके पास आता है और राइडर तब तक उठने की धीरे धीरे अपने हाथों से और नीज से कोशिश करने लगा था। उसने कहा आई स्टेयर्ड एट हिम, मैंने उसकी देखा एंड थॉट, और मैंने सोचा हिज फेस इज रेड, इसका भी फेस रेड हो चुका है, रेडर देन इवन दैट ऑफ द ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स, वगैरह, और इसका भी फेस वैसे ही रेड हो चुका है जैसा कि उस ऑटोमोबाइल ड्राइवर का हो चुका था। माई वॉइस शूक, मेरी वॉइस बहुत बुरी तरह कांप रही थी एज आई स्पोक, जैसे कि मैंने पूछा डिड यू फॉलन ऑफ योर हॉर्स, वो कह रहे क्या तुम अपने घोड़े से गिर गए हो, मैंने उससे फिर भी पूछा कप कपाती हुई आवाज़ में। देन आई फॉरगेट दैम, लेकिन तभी मैं क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को भूल गया था, माई सिस्टर कैथलीन द हॉर्स एंड द राइडर द ऑटोमोबाइल ड्राइवर ऑल आई थॉट ऑफ वॉज होम, बाकी मैं इतना कहने के बाद मैं सब कुछ भूल गया और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की याद आई और वो था मेरा घर। आई ब्रोक इन टू अ रन, और मैं बहुत तेज़ वहाँ से उठा और मैं बहुत तेज़ी से भागा, फास्टर मच फास्टर देन आई हैड एवर रन बिफोर, और मैं इतनी तेज़ दौड़ा जितना शायद मैं पहले कभी नहीं दौड़ा था। एंड योर हीरो वॉज अ हीरो नो लॉन्गर, और मेरे मन में यही सवाल आता कि आज तुम्हारा हीरो हीरो नहीं रहा, मैं बिल्कुल ज़ीरो बन चुका हूँ, ठीक है। जस्ट अ लिटिल 5 year old, मैं सिर्फ 5 साल का वो लड़का था, इम्पल्सिव बॉय जो कि बहुत चंचल था, रनिंग टू द सेफ्टी ऑफ
हिज होम, और उसे अब सिर्फ ऐसा लग रहा था मैं घर पहुंच के या सुरक्षित बचूंगा, वरना आज तो मेरे जीवन में सारी समस्याएं आ गई हैं, एंड कम्फर्ट ऑफ हिज मदर। और उसे अब चाहिए था कि बस मैं जल्दी से अपनी मम्मी के पास पहुँच जाऊँ, मुझे ये जो जितनी परेशानियाँ मेरे सामने आती जा रही हैं इन सबसे मुझे कम्फर्ट मिल जाए, आराम मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत एक्टिव है, बहुत फिकल है, बहुत चंचल है, जिसके सामने जो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करता जा रहा था कि उसके सामने एक के बाद एक इवेंट्स होते जा रहे थे, प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी, और वो इतना एंड में वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसे लगता है कि बस अब मुझे कैसे ही मैं घर पहुंच जाऊं, ठीक है, एंड कम्फर्ट विद माई मदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक इट्स अ वेरी लवली स्टोरी ऑफ ऑल दिस बुक। सो आई हैव यू हैव आई थिंक यू हैव इन्जॉयड इट, आई ऑल्सो इन्जॉयड इट वेरी मच। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, री रीड दी लाइन अगेन, कैन यू पिक्चर द सीन क्लियरली, कहना इन लाइन्स को दोबारा से आप पढ़िए, क्या आप इस पिक्चर को अपने माइंड में क्लियरली बना पा रहे हैं। वर्ड्स आर पावरफुल एंड दे इवोक इमोशंस एंड ड्रामा वेन यूज केयरफुली। वो कह रहे हैं कि और आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इतने पावरफुल वर्ड्स का यूज़ किया गया है और इमोशंस का, कि जो स्टोरी है वो पूरी एक तरीके से आपके सामने, देर इज़ अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू वेन यू रीड दिस स्टोरी। जब कभी आप ये स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बनती जा रही है, कैसे वो बॉय होगा, कैसे उससे हॉर्स से स्टक हुआ होगा, एंड ऑल दैट। ठीक है, सो आई होप यू हैव इन्जॉयड इट। सो About the author, and now you also will be surprised that the Jack Davis, he was the himself the dead boy of 5 years. Jack Davis जो कि इसके writer भी हैं, ये खुद इन्होंने अपनी personal life के बारे में, Australia की living के बारे में सब कुछ यहाँ लिखा है, जो बड़े होकर शायद खुद एक writer बने। He was an Australian 20th सेंचुरी प्ले राइट एक एंड पोइट, ये पोइट भी हैं और प्ले राइट भी हैं ऑस्ट्रेलिया के। ही वॉज बॉर्न इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, इन द स्मॉल टाउन ऑफ यारलोप, जो कि छोटा सा टाउन था यारलोप, जिसकी ये स्टोरी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। डेविस अंडरस्टूड द प्लाइट ऑफ द एबोरिजन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वो कह रहे हैं उन्होंने वो बहुत अच्छी तरीके से, वो उड़ान जो एक आदिवासी बच्चे की होती है जो बहुत कम एज का होता है, हिज राइटिंग इवोक फॉरगॉटन चाइल्डहुड मेमोरीज एंड फीलिंग इन द रीडर। वो कह रहे हैं इनकी राइटिंग को जब हम पढ़ते हैं तो हर रीडर के मन में उसके बचपन की सारी यादें जो होती हैं, जो भूली हुई यादें होती हैं, वो रिफ्रेश हो जाती हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज बुक द फर्स्ट बॉर्न एंड अदर पोएम्स, द प्ले आर टाउन एंड अ बॉयज लाइफ। ये अपनी बुक्स के लिए बहुत जाने पहचाने जाते हैं, जिनमें से कि मेन है द फर्स्ट बॉर्न एंड अदर पोएम्स, और इनका एक जो फेमस प्ले है आवर टाउन एंड अ बॉयज लाइफ, जो कि आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव इंजॉयड द ऑथर्स लाइफ, ऑथर्स स्टोरी वेरी वेल। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर विद अ न्यू एंथुसियाज्म। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।